आप सबका गोपाला जी का नमन। देखिए, सावन के दिनों में शिवजी जी की कृपा पाने के लिए बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं लोग। बाग पूरे वर्ष वैसे तो जो शिव भक्त हैं कुछ ना कुछ करते ज़रूर हैं। एक बहुत अच्छा एक प्रयोग हमारे अनुराग जी, हमारे सहयोगी, इन्होंने बताया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी नंदी भगवान को मानता हूँ। मैंने इसका प्रयोग भी दिया था, आप चाहें तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या आई कार्ड में देख सकते हैं या एंड स्क्रीन में कहीं ना कहीं मेरे ज़रूर रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे जो सब्जेक्ट में बोलता हूँ। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं, इसमें छः का विशेष महत्व बताया है इन्होंने। खैर इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे क्योंकि विषय फिर लंबा हो जाता है ना, इसलिए सूक्ष्म में समझिए। छः का विशेष महत्व है इसमें, अब इसको करिए देखिए। और मैं कहता हूँ कि भाई ये सावन शुभ आपके लिए, शुभता के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये भी ट्राई करके देखिए क्या जाता है इसमें आपका। और अच्छा लगता है तो एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। नमस्कार, जय माता की। आज पुनः गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज़ के माध्यम से एक श्रेष्ठ और उचित प्रश्न पूछा गया है कि सावन काल का, इस सावन मास का लाभ उठाने के लिए क्या कोई ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा हम कार्य सिद्धि प्राप्त कर सकें, जो भी हमारे मन में इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति में एक कदम और बढ़ा सकें। अगर आपके भी बॉस ने आपसे प्रमोशन के लिए प्रॉमिस किया है या आपका भी कोई कार्य है जो अंत में जाते जाते पूर्ण होते होते बिगड़ जा रहा है, या आपके मन में कोई इच्छा है, ऐसी इच्छा है जिससे सबका भला हो और आप चाहते हैं कि वो इच्छा पूर्ण हो जाए, तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य करके देखिएगा। ये प्रयोग मेरा अजमाया हुआ है, मैंने भी किया है और मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी करवाया है, उन्हें भी उचित लाभ की प्राप्ति हुई है। तो मैं ये प्रयोग आप सबके साथ भी शेयर करता हूँ जिससे आप भी इस प्रयोग को कर श्रावण मास में विशेष लाभ उठा सकें। तो आइए जानते हैं वह प्रयोग क्या है। अगर आप ऐसे ही प्रयोग और भी देखना चाहते हैं तो ऊपर मैंने एक चैनल का लिंक दिया हुआ है। यह हमारा एक विशेष परिवार है जिसमें हम ज्योतिष से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई और नंबर से जुड़ी हुई बहुत से विचारों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि कौन से नंबर की गाड़ी किस व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ रहेगी, कौन सा फ़ोन नंबर लेना चाहिए, और अगर आप किसी नए प्रोफेशन की तरफ जाते हैं तो कैसे हम चूज़ करें कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक कर उन सब वीडियोस का भी आनंद उठा सकते हैं और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग के बारे में कि कौन सा है वो प्रयोग। देखिए, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, जिस सामग्री की इस विशेष प्रयोग में ज़रूरत पड़ेगी उस सामग्री का मैं पहले वर्णन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक चांदी की कटोरी चाहिए होगी, उसके साथ में 6 दाने मिश्री के, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चंदन और कुछ दाने अक्षत के चाहिए होंगे, और साथ में आप एक जल का लोटा ले आएंगे, उसमें 6 बूंदे दूध की डाल लेनी है। इस बात का ध्यान रखें कि जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही विशेष है। जहाँ 6 दाने मिश्री के कहे गए हैं, जहाँ 6 बूंदें दूध की कही गए हैं, उन नंबर्स का विशेष ख्याल रखें। अब आपने ये सब सामग्री सुन ली, अब आगे इससे करना क्या है आइए वो जानते हैं। प्रातः 4 से 7 के बीच में इस प्रयोग को करना है। मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएंगे, वहाँ भगवान भोलेनाथ के परिवार को और नंदी भगवान को विशेष रूप से प्रणाम करेंगे, वहाँ कुछ समय के लिए बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप अपनी श्रावण मास में आप अपनी भी तो पूजा करते होंगे, उसके बाद में विशेष रूप से इस एक प्रयोग को करिएगा। सबसे पहले भगवान नंदी को उस दूध से स्नान कराइए, अर्थात उस दूध मिश्रित जल से स्नान कराइए जिसमें आपने 6 बूंद दूध की डाली हुई हैं। उसके बाद उनको कुमकुम का तिलक लगाइए, फिर चंदन का तिलक लगाइए, थोड़े अक्षत उन पर डालिए, अक्षत भी लगाइए। उसके बाद में जा करके वो जो 6 दाने मिश्री के मैंने आपसे मंगाए हैं, जिसे आपने चांदी की कटोरी में रखा है, अब कई बार चांदी की कटोरी सुलभ नहीं होती है तो आप जो नॉर्मल कटोरी होती हैं घरों में जो पाई जाती हैं उसमें भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। उस चांदी की कटोरी में जब आपने उस मिश्री के दानों को रख दिया तो उसका भोग आपको नंदी भगवान के सामने लगाना है। उस भोग को 6 मिनट के लिए रख देंगे। उन 6 दाने मिश्रियों को 6 मिनट के लिए जब आपने रख दिया,
तो उस समय में आपको शिव तांडव स्त्रोत्र का पाठ करना है। अगर आप चाहें तो किसी किताब का उपयोग कर सकते हैं, और अगर आपको याद है तो आप उसे स्वयं भी पढ़ सकते हैं। अब एक मुख्य बात, अगर जो लोग इसे नहीं पढ़ पाते हैं वो क्या करेंगे, वो उस समय में ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप जाप कर पाएँ उस 6 मिनट के अंदर वो आप कर सकते हैं। जब आप ओम नमः शिवाय का पाठ या शिव तांडव स्त्रोत्र का पाठ कर लेंगे, उसके बाद भगवान नंदी के कान में विशेष रूप से ओम का उच्चारण करना है 6 बार। जब आप भगवान नंदी के कान में 6 बार मुख्य रूप से ओम का उच्चारण कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपके मन में इच्छा है उस इच्छा को भगवान के दाएं कान में बोल दीजिए। दाएं कान में ही इस प्रयोग को करना है, और उसके बाद कुछ समय तक वहाँ बैठिए, उस इच्छा को अपने मन में रखिए, और बाद में आते समय वो जो मिश्री के दाने का आपने भोग लगाया है उन मिश्री के दाने में से 3 दाने अपने साथ ले आइए। बाकी 3 दानों को वहीं किसी कागज़ में या जो भी वहाँ पे पात्र हो उस पात्र में रख के वहीं छोड़ दीजिए। आपकी जो कटोरी है उसे भी आपको वापस ले आना है, और अगर आप चाहें तो उसे वहीं भी छोड़ सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि उस कटोरी का आप क्या करेंगे। उन 3 दाने, वो 3 दाने विशेष रूप से मुख्य हो जाते हैं। अब उन 3 दानों का आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। उन 3 दानों को आप चाहें तो इसे अपने परिवार में भी बांट सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी विष मांगी है जो आपके लिए है तो उसे आप ही ग्रहण करिए। अगर आप अपने परिवार के हित के लिए चाह रहे हैं तो आप उनके लिए भी प्रसाद स्वरूप में संपूर्ण परिवार में उसे बंटवा सकते हैं, अन्यथा आप उसे स्वयं ग्रहण कर लीजिए। मंगलवार के दिन इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए। मैंने बहुत से लोगों से इसे कराया है और बहुत ही उचित और लाभदायक रिजल्ट प्राप्त किया है उन सब ने। तो यह एक प्रयोग है, आप अवश्य करके देखिए। रिजल्ट आता है इससे, क्योंकि हमारा भी आया है। आप इस प्रयोग को करेंगे तो बाद में कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय माता की।